नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का कृष्णा पांडे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, मैं इससे पहले आपको दो वीडियो में गेज का ड्रा करने के बारे में बताया और गेज ड्रा करके आप लोगों को बताया भी, लेकिन आज उसके बारे में कुछ टिप्स मैं दूंगा कि गेज बनाते कैसे हैं, बनाने का तक ड्रा करने का आइडिया आप लोगों को बताया। तो सबसे बड़ी उसमें सावधानी जो है मार्किंग और फाइल का, अगर मैनुअल बना रहे हैं तो फाइलिंग जो करते हैं उसकी जरूर, सबसे मेन मतलब जो उसमें कारीगर हाथ की रहती है वो फाइलिंग की रहती है, मार्किंग जो पंचिंग करेंगे वो और फाइलिंग की। और तीसरी सबसे जो बड़ी चीज रहती है वो गेज को सीधा और उल्टा दोनों साइड अगर हम मार्किंग करके देखें तो एक मिलना चाहिए। एक अच्छा गेज गलत है सही है उसकी पहचान यही होती है। तो मेरे मित्रों, आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा और मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियो जो है आप लोग तक पहुंचे। अभी मैं बहुत सारी सब्जेक्ट पे वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा जो अच्छी अच्छी जानकारी देगी आप लोग, और आप लोग का देखना और आपका, आप जितने मतलब लोगों को अपनी विद्या सब्सक्राइब करेंगे, जितने लोगों को नॉलेज बढ़ेगा वो वही हमारा एम है कि हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे जानकारी को अधिक से अधिक लोग देखें और समझें। तो मेरा मेन एम यही है। तो मेरे मित्रों, आज मैं जो जानकारी दूंगा वो गेज बनाने में क्या क्या सावधानियां रखते हैं उसके बारे में। जा ड्रा अलग हो गया, फिर मैं मेरी बात को प्रश्न समझिए, ड्रा करना पेपर वर्क अलग हो गया, लेकिन बनाते समय जो सावधानियां रखते हैं उसके बारे में आज जानकारी मैं दूंगा। तो चलो मेरे मित्रों, आओ मैं बताता। हाँ तो मेरे मित्रों, जैसे ये हमारा गेज है, देखिए ये हमारा गेज बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा 1 इंची का ही गेज है। देखिए अब इसमें सबसे बड़ी सावधानी क्या रखते हैं इस गेज को बनाने में, देखिए आप लोग फिर ध्यान से देखिए, ये जो पंच का निशान लगाते हैं, देखिए ये मैं ही बनाया हूँ, ये जो पंच का निशान है ठीक है ना, आप लोग ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है ये पंच का निशान। तो जब हम गेज को ड्रा करके और जब पंचिंग लगाते हैं, पंच का निशान लाइन पर मारते हैं, तो हाँ तो मेरे मित्रों, रुक जाओ, हाँ तो मेरे मित्रों, जैसे ये पंच का निशान है, ये जो पंच का निशान जब हम गेज ड्रा करेंगे और पंच का निशान जो लगाएंगे, देखिए ये जो पंच का निशान लगा हुआ है, तो इसमें सावधानी क्या करते हैं कि जब फाइलिंग करेंगे, देखिए ये जब फाइलिंग करेंगे बारीक में, देखिए मेरी उंगली के सीध में ये जा रहा है, देखिए ये जब फाइलिंग करेंगे ये पंच पे, ठीक है, ये जो पंच है तो ये पंच फाइलिंग के टाइम में आधा कटना चाहिए, आधा कटना चाहिए कम से कम ये पंच को, ठीक है, ये चीज़ हमेशा मतलब ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आधा कटना चाहिए तो हमारा और मार्किंग स्मूथ होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि ये देखिए फ्रंट ऊपर देखिए, ये देखिए ये हमारा फ्लैट होना चाहिए, फाइलिंग जब करेंगे तो ये पोर्शन जो है ये पोर्शन फ्लैट होना चाहिए, एकदम फ्लैट, ये रेडियस या राउंड नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, ये पूरा सरफेस फ्लैट में होना चाहिए, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये फ्लैट में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए जो बोल रहे थे ना आप लोगों को सेंटर लाइन, देखिए ये हम सेंटर लाइन मारे हुए हैं, देखिए ये जो है ये पोर्शन सेंटर लाइन मारा हुआ है, ये सेंटर लाइन से ही हम गेज बैठाते हैं, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि गेज को कैसे मानेंगे कि गलत है या सही है, ठीक है, अब हम उसके बारे में बताते हैं। आइए देखिए, जैसे ये हमारा सीधा है, अब हम देखो ये लाइन मार रहे हैं, ठीक है ना, अब देखिए ये हम चेक करने का तरीका, गेज गलत है या सही है वो तरीका, देखिए अब ये हम सीधे सीधे गेज बैठा के मारे लाइन किए, अब हम इसको पलट के मारेंगे, ऐसे पलट के नापेंगे, देखो इसका हम पलट उल्टा करके अब ये देखेंगे, ठीक है,
उल्टा करके हम देखेंगे कि गलत है या सही है। अब देखिए उल्टा करके भी हम मार्किंग कर रहे हैं, देखिए उल्टा करके भी मार्किंग किए, सीधा करके भी किए। हमारा गेज ये, हमारा ये गेज परफेक्ट है, मतलब ओके, गेज ओके है। तो सबसे बड़ी जो मेन, ये उल्टा सीधा करके इसीलिए देखते हैं कि अगर ये सीधा पे सही है, उल्टा पे अगर जिधर कम बेसी रहेगा तो पत्ता हमारा उधर को खींच के भागेगा। ये कभी कभी गेज में प्रॉब्लम आती है कि पत्ता खींच के भाग रहा है तो दिक्कत होती, इसीलिए गेज को चेक करने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है। इसीलिए गेज चेक करते हैं, फाइलिंग कर लिए, सब कुछ कर लिए, तो ये देखते हैं कि उलट पलट कर जब गेज बनाते हैं तभी चेक करते जाते हैं कि हमारा गेज तो सही है या नहीं है। तो ये गेज बनाने का सबसे बड़ा, चेक करने का और बनाने का तरीका यही होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम फाइलिंग पंचिंग करेंगे तो पंचिंग आधा कट जाना चाहिए, ये पंचिंग पॉइंट आधा कट जाना चाहिए, और इसको जो है बारीक फाइल से, निडिल फाइल से, इस निडिल फाइल से ये पूरे पोर्शन को हम फ्लैट रखते हैं। ये जो फाइलिंग करेंगे फ्लैट रखेंगे, रेडियस में नहीं रखते, ये फ्लैट रखते हैं। जितना फ्लैट रहेगा उतना हमारा जो है गेज बराबर बैठेगा, प्रॉपर रोल के अंदर बैठेगा। दूसरा चीज है कि हम चेक करेंगे, चेक करने का तरीका ही बता दिया, पहले सीधा मार्किंग कर लेंगे, फिर उसके बाद पलट करके ऐसे रख करके उसको मार्किंग करेंगे, दोनों लाइन बराबर आ गई तो गेज हमारा ओके हो गया। ये रहा गेज चेक करने का तरीका। तो आओ मित्रों, चलो आओ मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को बताया कि गेज चेक कैसे करते हैं और गेज बनाते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ड्रा करना अलग बात है, गेज को फाइलिंग करना, मार्किंग करना, ये अलग बात होती है। तो मार्किंग करने में क्या सावधानियां रखते हैं और फाइलिंग करने में क्या सावधानियां रखते हैं, और फिर फाइलिंग करने के बाद उसको चेक किस तरह से करते हैं, आप लोगों को मैं इस वीडियो में दिखाया, समझाया, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये जो वीडियो जो है काफ़ी हद तक सहायक रहेगी और जानकारी जरूर मिली होगी। मैं ऐसे ही और नई नई वीडियो आप लोगों को जो है अपलोड करते रहेंगे, नई नई जानकारियों के साथ। बहुत सारी, देखिए ट्यूब मिल एक ऐसा है कि मतलब पूरी जिंदगी हम सीखते रहें तब भी हम सीख नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें इतनी, जितने आप इसके अंदर स्टडी करेंगे उतनी जानकारियां आप लोगों को टेक्निकल की मिलती जाएगी। और मैं इसीलिए जो मेरा चैनल बनाने का मेन जो एम है यही है कि हमारी जो जानकारी है हम अपने अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें अपने ट्यूब चैनल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जितने अधिक से अधिक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को अधिक अधिक जानकारी मिलेगी। और मैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है गेज ड्रा के ही बारे में बताएंगे। अब हम करेंगे दो नंबर का गेज के बारे में, कैसे ड्रा करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखते हैं, उसके बारे में अगली वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए मेरे मित्रों, नमस्कार।